required, most of the work is done online and amount of data and storage capacity is consumed in transaction and storage of image used to present virtually. आज के समय में किसी भी इमेज को प्रजेंट करने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत पड़ता है, इसीलिए हम अपने स्टोरेज के क्षमता को बढ़ाने के लिए इमेज को ज़्यादा स्टोर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ड्यू टू लार्ज साइज इमेज मेनी टाइम्स वी हैव टू फेस प्रॉब्लम ऑफ परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी ऑफ आवर गैजेट लाइक मोबाइल्स लैपटॉप डेस्कटॉप। कोई भी जो लैपटॉप है वो अपना जो उसका कैपेसिटी होता है वो कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होने के कारण इसी फोटो और वीडियो को नहीं सोखा पाता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं उसके साइज को। अरे फेसवा क्लीन नहीं आ रहा है, लाइटवा रहेगा तब ना। किसी बड़े प्रोफाइल पिक्चर को तो पीछे वाला एथिया ना खराब हो गया। अच्छा तो ग्राफिक्स क्या यूज करते हैं? मम्मी जो पॉइंट बोल रहे हो उसमें क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं इतना हाई क्वालिटी का हम ग्राफिक्स ही यूज कर रहे हैं चेहरा पे। तुम जो हम बात बोल रहे हो वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मतलब हर समय के लिए इस प्रोजेक्ट का जरूरत नहीं है। हम ग्राफिक्स बढ़ा दें स्टार्ट ही लगा दें सपोज करो, तो अभी जो तुम सेकंड पॉइंट पर बात कर रहे हो वो चीज़ हट जाएगा। तुम ये नहीं बता पा रहे हो, कारण ये है कि आगे भी सर आएगा नहीं आएगा कि नहीं। तुम हमको जो भी सर भी पूछे हम तुम इमेज को परचेज करने वाला कौन कौन सा टूल इसके अलावा यूज की हो ये बता दो। कंप्रेस करने वाला कोई टूल यूज की हो, कभी काम की हो किसी के? किसके सर? इमेज कंप्रेसर सर एंड्रॉइड पर काम किया सर, बहुत सारा एप्लीकेशन आता है। कोई यूज का कोई एप्लीकेशन का नाम होता सर? सिंपल सर इमेज कंप्रेसर। इमेज कंप्रेसर सिंपल मान मेरे पास है बताते हैं। तुम यूज किए हो उसमें और इससे ये जो बना रहे हो पाइथन यूज करके बेनिफिट क्या है? कंप्रेसर इमेज साइज जी सर, उसमें भी ट्रांजेक्शन जो हो जाएगा बहुत फास्ट हो जाएगा। साइज अगर स्मॉल होगा तो ट्रांजेक्शन स्पीड फास्ट हो जाएगा, स्टोरेज भी बढ़ जाएगा। तो उस कंपटीशन से और पाइथन यूज करने से बेनिफिट क्या है वो पॉइंट को बता दो सर। बेनिफिट्स सर उसमें जो सेम उसमें जो है उसमें भी वही सेम है सर। बेनिफिट्स सर पहला होगा कि जब स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं उसमें। तुम अपने से बोल दिए कि दोनों सेम है और प्रोजेक्ट तुम्हारा प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना उसमें यही क्वेश्चन किया जाएगा, तो तुम्हारा क्यों सेलेक्ट करें इसका जवाब क्या? आगे आगे सर बेनिफिट्स आएगा सर। नहीं नहीं बेनिफिट तो यहीं पर क्लियर, हम जो बात बोले ना बहुत सारा पॉइंट है जिसमें और क्रॉस क्वेश्चन हम करते सर करते। तुम्हारा जवाब क्या होगा, तुम्हारा क्यों सेलेक्ट करेंगे सर? पाइथन का जवाब दे सकते हैं जो यूजर व्यू है जो सर वो बहुत इजी है, आगे नहीं देगा सर वो इजीली यूजर कोई भी यूज कर सकता है इसका। चलो ठीक है ये बात एक बार बोले पॉइंट ये चीज हम मानते हैं जी सर। जवाब तुम्हारा इस तरह समझे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इन दिस प्रोजेक्ट आई विल यूज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस एप्लीकेशन में पाइथन प्रोग्रामिंग इसलिए यूज किया गया है क्योंकि एक इजी लैंग्वेज है, इजीली हम लोग इसमें एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। प्रोग्राम किए हो इसमें कोई पाइथन में सीरियस सीरियस सब नेक्स्ट कम एज पाइथन का जो क्वेश्चन है सुनो, जब कोई टॉपिक देते हो ना जी सर तो जिसके पास रिप्रेजेंट करते हो सपोज करो मैम नहीं जानती है सब दूसरे ब्रांच के दूसरे बात कोई बात नहीं, ये लोग व्यू पे क्वेश्चन करेंगे लेकिन एक आध दो आदमी जो बैठा रहता है जो उसके बारे में जानता है उस समय तुम पास कैसे करोगे? वो तो क्वेश्चन क्रॉस करेगा। तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो पाइथन बहुत अच्छा है, हम कहेंगे कि सी से कैसे बेटर बताओ, हमको बताना पड़ेगा ना ठीक है। तो तुम्हारे तुमसे अगर क्वेश्चन करें सी और पाइथन कैसे ईजी है तुम बता सकते हो, क्या बताओगे? या सी प्लस प्लस से बहुत अच्छा है, तुम क्या जवाब दोगे बता सकते हो? सर ये सर उससे अच्छा इसलिए है क्योंकि ये सर हाई लैंग्वेज है सर, हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस प्लस वो भी ठीक है। तो सी प्लस प्लस क्यों नहीं ये क्यों?